हेलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम उस विमान के बारे में बात कर रहे हैं जिससे भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, लेकिन उस फाइट के बाद हमारा MiG-21 भी क्रैश हो गया था। भारत ने इस विमान को 1963 में सोवियत संघ से खरीदा था, जो कि आज कई देशों में टूट गया। उसमें भारत ने सोवियत संघ से लगभग 800 से 900 MiG-21 विमान खरीदे थे, जो 60 के दशक में MiG-21 सबसे खतरनाक विमान में गिने जाते थे। उस समय से अब तक दुनिया में लगभग 60 देशों ने MiG-21 को अपनी सेनाओं के लिए इस्तेमाल किया है। सबसे खतरनाक विमानों में गिना जाता था, लेकिन जैसे जैसे नई जनरेशन के विमान आने लगे, उसके सामने यह विमान कमज़ोर लगने लगा। लेकिन भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने बालाकोट हमले के बाद F-16 को मार गिराया था, जो कि MiG-21 के ताकत से गिराया था, लेकिन बाद में यह विमान भी क्रैश हो गया। अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रैश होने वाला विमान भी MiG-21 ही है, जो अब तक लगभग 400 से 450 विमान हाथ से क्रैश हुए हैं, जिसमें लगभग 200 से 220 पायलटों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके कारण दुनिया में MiG-21 को फ्लाइंग जेट या पायलटों की मौत के नाम से जाने जाने लगा। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के मोगा जिले में एयर शो के दौरान एक MiG-21 क्रैश हो गया था, जिसमें भारत के सूरवीर पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे। लेकिन हम सभी को पता है कि MiG-21 एक बेहतरीन विमान है, लेकिन अब इसे वायुसेना से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक बहुत ही पुराना विमान है और MiG-21 का निर्माण करने वाली कंपनी ने भी इसका निर्माण कई वर्षों पहले रोक दिया है, जिसके कारण अब इसके पार्ट भी नहीं मिलते हैं। और कई देशों ने जो इसका इस्तेमाल करते थे, उन सभी देशों ने अपने वायुसेना से MiG-21 को बाहर कर दिया, लेकिन भारत ने इन विमानों को अपग्रेड करके अपनी वायुसेना के लिए उपयोग में ले रहा है, क्योंकि MiG-21 की जगह लेने वाला ऐसा कोई विमान नहीं मिला। लेकिन अब भारत के पास MiG-21 की जगह एक ऐसा विमान ले सकते हैं जो कि भारत में ही निर्मित तेजस विमान है। हालांकि तेजस MiG-21 से कई खतरनाक विमान है। तेजस मिराज और सुखोई विमानों की टक्कर का विमान है। MiG-21 विमान बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी पूर्ति विदेशी विमानों से नहीं की जा सकती है। इसी कारण MiG-21 की जगह तेजस को अच्छा विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि यह एक स्वदेशी विमान होने के कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार भी इसका निर्माण किया जा सकता है और MiG-21 की पूर्ति की जा सकती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और धन्यवाद दोस्तों।